दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा ब्लॉग होगा वो होगा भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो भूटान घाट होमस्टे के नाम से जो होमस्टे है वहाँ का आज हमको ब्लॉग बना के दिखाएंगे। और जितने भी आसपास के टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसको हम अब कभी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज का जो ब्लॉग होगा सिर्फ और सिर्फ इस भूटान घाट होमस्टे के कंफर्टेबल जितना भी जो भी है रिव्यूज़ वगैरह जो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं भूटान घाट होमस्टे। जो ये हमारा गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस आप देखिए, यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो इसी में हम रुके हुए हैं गेस्ट हाउस में। ये ऊपर का यहाँ से एंट्री पॉइंट है। एंट्री को खास बात आपको बता दूँ, ये जो होमस्टे है ना ये पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, यानी कि वुडन, ये वुडन बना हुआ है पूरा का। तो ये जो मेरा रूम है ये मैंने लिया है, ये जो टैरिफ वगैरह किया है मैं क्या है मैं आपके ऑनर से बताऊँगा। तो ये मेरा रूम है, डबल बेड है, यहाँ पे बिल्कुल आरामदायक कम्फर्टेबल। यहाँ पे पिलोस और यहाँ पे जितनी चादर वगैरह सब रखे हुए। ये खिड़की है, यहाँ से बाहर का नज़ारा आपको जो सामने का फ्रंट का नज़ारा वो देख सकते हैं। जैसे आप सामने का फ्रंट का नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए सामने का बहुत ही खूबसूरत। अब आपको पीछे का दिखाते हैं। तो यहाँ का वॉशरूम वेस्टर्न स्टाइल में है, वेस्टर्न स्टाइल में वॉशरूम है। और ये बेसिन है, यहाँ पे हाथ मुँह वगैरह, और यहाँ पे आप शावर भी ले सकते हैं, शावर है और सारी फैसिलिटी है। और ये टॉवल वगैरह आपको फ्रेश मिलेगा जब भी आएंगे यहाँ पे। और ये बेसिन है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको इस रूम की खासियत, यहाँ से जो बालकनी जो व्यूज़ नज़र आएगा इंटरनेशनल बॉर्डर का, ये देखिए, ये देखिए सामने से, वाह वाह, फैबुलस, फैंटास्टिक। यहाँ से व्यूज़ देखिए आप। मैं इस समय खड़ा हूँ भूटान घाट होमस्टे की बालकनी में, और ये बालकनी से जो इसका आपका व्यू आएगा ना, और ये देखिए यहाँ से बालकनी से जो नज़ारे हैं बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट मेरी तरह भी आ रहा है, ये देखिए। और ये देखिए जितने भी रूम है, रूम से यहाँ पे इसमें सारे सब में बालकनी है। आप यहाँ पे बालकनी में ये देखिए यहाँ पे चेयर टेबल, आप जो है ना ब्रेकफास्ट और शाम का जो है ना ड्रंच भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, शाम को आप गप्पे मारिए अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली है, फैमिली के साथ गप्पे मारिए, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ। भूटान घाट होमस्टे के ऑनर से हम आपसे बात करा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इनका नाम है मेरा नाम शुभोजित बोस है, इनका नाम है शुभोजित बोस, और ये ऑनर है इस भूटान घाट होमस्टे का। तो सर यहाँ से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके? मैंने सुना है काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, दिल्ली से भी आए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ ये ओपन हुआ है, फरवरी में ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद एक महीना ठीक से चला, उसके दौरान कभी अच्छा खासा वो भीड़ हो रहा था, ठीक है। नया है फिर भी आदमी कहाँ से ढूंढ के आ ही जा रहा है। तो एक्चुअली मैं उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, फिर आदमी फ़ोटो फेसबुक में इस कोई सोशल मीडिया में डाल रहा है, उसी का हिसाब से वही थ्रू आ रहा है। तो एक्चुअली में मुझे यहाँ की जो खास बात सबसे अच्छी लगी कि यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का चारों तरफ लोकेशन है, पीछे आप देख सकते माउंटेन्स है, इधर भी रिवर्स है, बहुत ही अच्छा लोकेशन चारों तरफ से है। अब ये बताइए कि इस होम स्टे में क्या क्या आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को? फैसिलिटी एक्चुअली आप देखिए तो घर में तो आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आप घर में खाना खाते हैं, जो मतलब घूमने का जिसका पागलपन है, जो रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ा रुकिए, रिलैक्सेशन होगा। यहाँ का जो मतलब वातावरण है वो बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल है, ठीक है, यहाँ का उतना शोर शराबा नहीं है, तो शोर होगा तो आपका जो बार्ड्स से उसका आप सुन सकते हैं, तो कोई लेपर्ड का कभी सुन सकते हैं, कभी एलिफेंट का सुन सकते हैं, ऐसा शोर होगा। कोई मतलब आपका कोई गाड़ी का उतना शोर नहीं होगा। एक्चुअली मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो है इस एरिया के क्या मेरे इस स्टेट के जो आप जो भी यहाँ पर आप घूमने आएंगे, यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत जल्दी आपसे घुल मिल जाएंगे। और इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, यहाँ पे लोग हेल्पफुल भी है काफ़ी यहाँ के लोग। तो एक बात और बताइए, आप खाना वगैरह का क्या अरेंजमेंट रहता है? खाना का हमारा लोकल जो फूड बनता है वही मिलेगा, ठीक है, तो लोकल हमारा एक लोकल कल्चर का जो फीड मिलता है यहाँ का लोकल, वो लोकल फीड हम लोग देते हैं, तो आदमी लोग बहुत मतलब एब्जॉर्ब करता है उसको, मतलब बहुत खुशी से खाता है। लोकल फूड के बारे में तो मैं जानता ही हूँ, लोकल फूड बहुत ही जो है ना लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। तो एक चीज़ और मैं दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि मुझे तो यहाँ आपसे मैंने पता कर लिया है, कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पे आपके भूटान घाट होम स्टे में ठहरने के बाद जो आज टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो क्या क्या है और कहाँ कहाँ लोग घूम सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए बॉक्सा टाइगर रिजर्व का अंडर में सारे मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया से फिर भी जहाँ जहाँ जा सकते हैं हम, हमारा जितना भी हो मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया वो नहीं जा सकते, जहाँ जहाँ जा सकते वहीं पे कोई वॉच टावर है वो भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, कई एक राइडक रिवर है वो। तो एक्चुअली यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, बॉक्सा टाइगर रिजर्व है, तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो जगह हम नहीं जा सकते, तो बहुत ऐसा जगह है जो हम जा सकते हैं, तो वो भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, फिर भी हम लोग लोकल गाइड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो जिसके पास इसका अनुभव है जंगल में, मतलब कोई जंगली जानवर आ जाए उसको कैसे मुकाबला करना है, कैसे उसको मतलब एवॉइड करना है, इग्नोर करना है, ठीक है, वो मतलब ये जो लोकल से उसको पता है कैसे करना है, ठीक है, तो हम लोग और उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रिस्की एरिया में हम लोग नहीं ले जाते, तो जितना भी जाते टूरिस्ट लोग जाके मतलब उसको सेटिस्फाई मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, आप लोग और यहाँ के लोकल है और आपके यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी लोकल है, उनको ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है और जो भी है उनको कैसे फॉलो किया जाएंगे, उनको पूरा गाइड करेंगे और पूरी जो भी चीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ है वो उनको बारे में आप सब कुछ बताएंगे। तो कोई पैकेज भी है या फिर कुछ? हाँ, एक पैकेज रखा हुआ हो, तो सब पैकेज ही पूछते हैं, तो इसलिए हम लोग 1500 और रूम के लिए रखे हैं एक टैरिफ, और खाने के लिए पर हेड 600 रुपये सुबह से रात तक। तो सुबह में हम लोग एक नाश्ता देते हैं, बेटी भी मिलती। तो ये जो 1500 है वो टाइमिंग क्या है उसका, चेक इन और चेकआउट का? वो चेकिंग एक्चुअली चेकिंग चेकआउट 11 to 11। शुभोजीत जी से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो इनका जो मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे आपको पहुँचना है, ये मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इनको कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर ऑल इंडिया कहीं से भी आप आ सकते हैं और यहाँ पर अपना जो है ना रूम बुक करके यहाँ के नज़ारे का लुफ्त, यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन को आप देख सकते हैं। तो मिस्टर शुभोजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो एक्चुअली में एक मेरा दोस्त है लोकल यहाँ के, तो उनके साथ मैं यहाँ पे आया था, तो उनका क्या अनुभव रहा है तो उनसे भी पूछ लेती है। तो आपको यहाँ के कैसा लगा, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे आप? हमारा गाँव, हमार तो बाड़ी एखे हाँ, हमें तो ये सब समय आसि, सप्ताहे मासे 5-6 बार आसि। एखे जगह खूब भलो, भूटान लागोआ एकदम एकदम भूटान पास, एखान भूटान बस दूर नय, हाइस्टली होबे 200-300 मीटर ही होबे। तो खूब भलो जगह, एखे भूटान एकदम पास, भूटान पासटा हमारे एक जीरो पॉइंट आछे जेटा हच्छे भारतवर्ष और भूटान के एक नदी जो नदीटा भाग करेछे, सेई नदीटा खूब सुंदर। इनका कहना है कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक रिवर है, उस रिवर के उस पार इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम जा नहीं सकते, तो ये कई बार यहाँ पे आ चुके। तो मतलब कोई अगर टूरिस्ट आना चाहता है, मान लीजिए, वो तो सबसे पहले अलीपुरद्वार में आएंगे, अलीपुरद्वार में आने के बाद तभी यहाँ पे आ सकते हैं। तो उनके लिए आप गाइडेंस करिए कैसे आ सकते हैं। एखे प्रथम आलिपुर थेके आसार परे यदि कोनो टूरिस्ट है, बाहर थेके यदि कोनो व्यक्ति आसे, ताहले तारा एसे एखाने मनोरम दृश्यटा देखे तारा बोलते चाय एखान थेके कोथाओ थाकार जायगा आछे किना, तखन आमरा तादेरके आप्यायन करे अतिथिर मतो बरण करे निये आसि। एटा होच्छे भूटान लागो एमन एकटा लज जेखाने मानुष थाके, एटा होच्छे एकटा प्रकृतिर निरिबिली एकटा जायगाते एमन एकटा सुंदर जायगा, मनोरम दृश्य जेखाने आमरा जारा आसे साफारि करते बाइरे थेके आसे तादेरके आमरा एखाने निये आसि। एखाने खूब भालो जायगा, भितरे रूमगुलो खूब सुंदर। एटा होच्छे एकटा ग्राम, এটা হচ্ছে ভিলেজ, ভিলেজের মাঝখানে এত সুন্দর একটা পরিবেশ, এখানে থাকতে কিন্তু যারা পর্যটন আসে তাদের খুব ভালো লাগে। एक और मेरे मित्र है, जरा उनसे पूछते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस, इनका अनुभव रहा, आप खुद ही बताइए ना। এখানে যে একবার আসবে তাকে বারবার আসতে ইচ্ছা হবে। সবচেয়ে মানে এত সুন্দর জায়গা যেটা কেউ যদি একবার আসে দ্বিতীয়বার তাকে আসতেই হবে। আর আপনারা যদি কেউ আসতে চান, ধরুন দিল্লি থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে, দিল্লি, মুম্বাই, গুজরাট, যে কোনো জায়গা থেকে, কলকাতা, सबसे पहले আলিপুরদুয়ার आना। हाँ, सबसे मतलब সবার প্রথমে আলিপুরে আসতে হবে। আলিপুরে ধরুন ট্রেনে আসলেন বা যে কোনোভাবে আসলেন, আলিপুর পৌঁছলেন। আলিপুর পৌঁছানোর পরে যে কোনো বাস, টোটো, অটো বা বাইক বা পার্সোনাল কার, যে কোনোভাবে ওখান থেকে মানে এই হোমস্টেতে আসতে টোটাল 43 কিলোমিটার আপনাকে সাফারি করতে হবে। তারপর এখানে আসবেন, এখানে আসার পরে যে যতটুকু মানে নিয়ম আছে, রিসেপশনে যাবেন, রিসেপশনে যাওয়ার পরে যা যা আছে আর কি, একটা রুম বুকিং করবেন, এখানেই সব কিছু ওরা ব্যবস্থা করে দেবে খাওয়া দাওয়ার। তো আপনারা, আমি বলবো যে আপনারা একবার, যারা আর কি ঘুরতে খুব ভালোবাসেন তারা অবশ্যই একবার আসুন, খুব ভালো জায়গা, মানে ভালো লাগবেই আপনার। তো मैं कह रहा था कि ये जो होमस्टे है, यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देते हैं एक बार। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही, ये सीढ़ी है यहाँ से चढ़ने और उतरने का। यहाँ पे अगर गेस्ट मिले हैं, इनसे बात करते हैं। आप इसी में रुके हुए? हाँ, दो दिन देखे हमारे एखे रही। अच्छा। तो आपको हिंदी नहीं आती शायद? हिंदी समझते हैं, बोलते प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, आप बंगाली में बोलिए, मुझे समझ में आता है। एखे हमारा दो दिन थे आसी, तो हमारे बाड़ी एखान 60 থেকে 65 কিলোমিটার दूरे। तो 60 किलोमीटर दूर आपका घर है, मतलब अलीपुरद्वार के आसपास ही थोड़ा दूर हो, उधर ही है। तो आप यहाँ पे क्या घूमने के लिए आए हैं? कैसा लगा आपको? ঘোরার জন্য আসি, প্রথমে আসি একদিন থাকার জন্য, যে এসে জায়গাটা একটু মনোরমটা দেখে যাই। तो আসার পরে এতটাই ভালো লাগছে আর যেতে ইচ্ছে করতেছে না। तो मतलब पहली बार आए आप? फर्स्ट टाइम। तो এই ভুটান ঘাট যে পাহাড় আছে, এটা একদম অন্যরকম একটা মানে ফিলিংস যেটাকে বলে। সকালে আজকে যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পাহাড় একদম ঢেকে গেছে বৃষ্টিতেই, তারপর 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ওয়েট করার পর আস্তে আস্তে পাহাড়টা দেখা, মানে পাহাড়টাকে দেখা যাচ্ছে। ওই দেখার পরে এত সুন্দর একটা মনোরম, আর মেঘগুলোকে চোখের সামনে দেখতেছি একদম উড়ে উড়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর দৃশ্য একটা। সামনে ভুটান পাহাড় পার হলে ভুটান দেশ পড়ে, একদম আমরা বর্ডার থেকে ঘুরে আসি। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर ही है। तो आप वहाँ घूम के आ चुके हैं? वो एसएसबी का फोर्स है, वो কড়াকড়ি গার্ড আছে, তাদেরকে আমরা গেলাম, কথা বললাম, তারাও বললো যে এইভাবে ভিতরে যাওয়া যাবে না, পারমিশন। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका देखने के लिए।